इसे भी कन्हैया की जो चमत्कार है ना, रोज बढ़ती जा रही है, रोज नए नए चमत्कार। उनके चमत्कार में सारे गोप ग्वाल बड़े मगन रहते हैं, रोज नए नए चमत्कार। और इसकी चमत्कार की चर्चा अब सिर्फ गोकुल तक नहीं रही, धरती में तो कई और फैली है, धरती से भी आगे बढ़ गई कन्हैया की चमत्कार, स्वर्ग तक चली गई। और स्वर्ग तक ही नहीं, ब्रह्मलोक तक चली गई। ब्रह्मा जी के कान में जैसी ये शब्द सुनाई दिया कि धरती में कोई चमत्कारिक बालक जन्म लिए हैं, वो बचपन से ही 3 दिन का था तब से बड़े बड़े राक्षस को मार डाला। ब्रह्मा बोले, मैंने तो आज तक कोई ऐसा बनाया ही नहीं, सब कुछ तो मैं बनाता हूं। ब्रह्मा को अभिमान है कि सबका रचयिता मैं हूं, मैं पालन करता हूं, मैं सृजन करता हूं, मैं निर्माता हूं, मैं विधाता हूं। ब्रह्मा ने कहा, मैंने तो कोई ऐसा बच्चा बनाया ही नहीं, ये नया कहां से उत्पन्न हो गया जिनको लोग भगवान समझ रहे हैं। तेरी मुझे जाकर देखना चाहिए कैसा भगवान है, मुझे जाना चाहिए। भगवान ब्रह्मा उस बालक की परीक्षा करने के लिए स्वयं धरती लोक उतर गए, और उतर के आए, पता तो चल ही गया था कि बच्चा रोज गैया चराने के लिए निधिवन में जाता है और उनका नाम कृष्ण है। तो ब्रह्मा जी सीधा निधिवन पहुंचे और निधिवन में पहुंचकर एक पेड़ की उड़ में छिप गए। इतने में कन्हैया कदम के पेड़ के पास से टेढ़ी टांग किया हुआ मधुर मुरली की तान आंखें बंद करके कन्हैया छेड़े जा रहा है। इधर कन्हैया बांसुरी बजा रहा है, उधर ब्रह्मा जी पेड़ के ओड़ में छिपके देख रहा है। यही लड़का होगा, ये छोरा है, ये सांवला भी है, इसने मोर का मुकुट पहना है, इसी को लोग भगवान समझ रहे हैं। तनिक देखना चाहिए ये कैसा चमत्कार करता है। प्रभु को इतने ही समय में बहुत जोर से प्यास लग गई और कन्हैया ने जैसे आंख खोली बांसुरी छोड़ी तो क्या देखते हैं, उनका एक मित्र है तनसुखा, उसी समय छाछ पी रहा था। कन्हैया को लगी प्यास, दौड़ करके तनसुखा के पास में आया। तनसुखा तनसुखा, भैया मुझे भी थोड़ी छाछ पिला दे। तनसुखा बोले, अरे लाला यार, पहले बोलना था, प्यास लगी थी तो देख, मैं सारा छाछ पी गया, कुछ नहीं बचा है। कन्हैया ने कहा, बचा है। तनसुखा ने कहा, देख कन्हैया, गिलास पूरा खाली है। तनसुखा गिलास दिखाने लगा। कन्हैया ने कहा, गिलास की बात नहीं कर रहा, अभी भी छाछ बची है और जितना मुझे चाहिए उतनी तो बची है। कन्हैया, मैं सच कह रहा हूं, छाछ बची ही नहीं। कहा तनसुखा, गिलास की बात नहीं कर रहा हूं, तेरे होंठ के पास छाछ के बूंद टिपके हुए, ध्यान से सुनना सर। कन्हैया ने तनसुखा से कहा, तेरे होंठ के पास से जब तू छाछ पी रहा था ना, तो छाछ पीते पीते कुछ छाछ के बूंद तेरे होंठ के पास टिपक गए। यह देखकर कन्हैया ने उनके होंठों के पास के बूंद के छाछ को चाटना चालू कर दिया। प्यारे, चाटना चालू कर दिया। जैसी कन्हैया ने आज तनसुखा के होंठ के पास के बूंद को चाटा है, इस लीला को ब्रह्मा जी पेड़ की ओर पे छिपके देख रहा था। ब्रह्मा जी की मति चकरा गए, लो ये भगवान है, सब इसे भगवान समझ रहे हैं। अरे ये दूसरे का जूठा चाट रहा है, ये भला भगवान हो सकता है? खामोखा मैं ब्रह्मलोक से यहां तक चला आया इस बालक को भगवान समझ कर। कन्हैया जूठा छाछ पी करके फिर चला गया, पर ब्रह्मा को लगा, नहीं जब सब बोल रहे हैं तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा। सो क्या किया, जैसे ही कन्हैया गए आंख बंद करी, इतने में ब्रह्मा ने एक खेल कर दिया।
जितनी गाय चल रही थी और जितने ग्वाले खेल रहे थे, अपनी मंत्र माया के द्वारा सारी गायों को और सारे ग्वालों को चुरा लिया और चुरा कर ब्रह्मा अपने निज धाम ब्रह्मलोक में ले गए और जाकर वहां बंदी बना दिया। सारे गोप ग्वालों को, सारी गायों को ब्रह्मा चुराया, चुरा कर ब्रह्मलोक ले गए। एक दिन पूरा हो गया, सुनो दो दिन हो गया, चार दिन हो गए, आठ दिन बीत गए, दस दिन बीत गए, एक पक्ष पूरा हुआ, लेकिन अब तक कोई भी ग्वाला न अपने बच्चों को ढूंढने निकला है न अपनी गायों को ढूंढने निकला है, कोई निकला ही नहीं अपने बच्चों को ढूंढने के लिए। महीने बीतने लगे, भैया यहां तो एक घंटा के लिए यदि घर से बच्चा गायब हो जाए ना तो माँ बाप बड़े परेशान हो जाते हैं। अरे कहां गया, अभी तू यही खेल रहा था, कहां है ढूंढो, पड़ोसी के घर में गया होगा। हाँ, एक घंटे के लिए बच्चा घर से गायब हो जाए हम कितने परेशान हो जाते हैं, और यहां तो 15 दिन बीत गए, चोरी हुए हैं बच्चों को, चोरी हुए गायों को, यहां तो महाराज एक साइकिल चोरी हो जाए तो तुरंत रिपोर्ट कराने जाते हैं। हाँ, एक साइकिल भी चोरी हो जाए ना तो हम या तो पुलिस के पास जाएंगे या तो पंडित के पास जाएंगे। बोले महाराज जी विचार कर बताओ ना, मेरी साइकिल चोरी हो गई। आदमी इतना परेशान हो जाता है, एक घंटे हुआ नहीं रहता चोरी हुए, परेशान हो जाता है। यहां तो 15 दिन महीने दिन बीत गए, ना गोप ग्वाल की चिंता है ना गायों की चिंता है। एक महीने बीते, दो महीने बीते, करते 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 6 महीने बीत गए, किसी को चिंता नहीं। हाँ, एक को चिंता है और है ब्रह्मा। अब वो उनको चिंता होने लगी। जब पूरे एक वर्ष बीतने लगा ना, ब्रह्मा ने सोचा अब तक आखिर इनके मैया बाबा ढूंढने आए क्यों नहीं, चलो मुझे को जाके देखना चाहिए। जैसे ब्रह्मा धरती लोक में आए तो क्या देखते हैं, ब्रह्मा ने जितनी गायों को और जितने ग्वालों को चुराकर ब्रह्मलोक में बंदी बनाया था, वही गाय वही गोप ग्वाल धरती लोक में चल रहे हैं। प्यारे धरती लोक में चल रहे हैं, वो सारे गोप ग्वाल धरती में खेल रहे हैं, सारी गैया हरी हरी घास चल रही है। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए, अरे ये क्या हुआ, हे प्रभु हरि राम जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ, मैं तो सारे गोप ग्वालों को बंदी बना के रखा था, ये सब कैसे छूट गए। दौड़ करके ब्रह्मा जी फिर ब्रह्मलोक में गए, वहां देखते हैं तो वहां सारे के सारे बंदी पड़े, वही गैया वही ग्वाले वहां बंदी है। धरती लोक में दौड़े दौड़े आए तो वही गैया वही ग्वाले खेल रहे हैं। अब तो ब्रह्मा बड़े परेशान, यहां वहां वही दिखने लगा, ब्रह्मा को समझ नहीं आ रहा है। अंत में ब्रह्मा जी ने सोचा ये मुझे भ्रम हो रहा है कि सच है, तो ब्रह्मा जी भगवान शंकर का ध्यान किए, तो क्या देखते हैं, कैलाश पर्वत पर भस्मी रमाए, भभूति लगाए, राख लपेटे, बागंबर धारण के हुए, त्रिशूल धारण के हुए, मुंड की माला गले में लपेटे, द्रुताक्ष की माला धारण के हुआ भगवान शंकर नहीं बल्कि कृष्ण कन्हैया बैठे हुए हैं। कृष्ण कन्हैया बैठे हैं प्यारे, शंकर के लोक में बाकी बिहारी बैठे हैं, सिंगार शंकर का और स्वरूप बाकी बिहारी का। ब्रह्मा ने फिर विष्णु लोक का ध्यान किया, क्या देखते हैं, भगवती लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, शेषनाग हवा दे रहे हैं, ओम शुभ लाभ क्षेम, सारे सप्तऋषिगण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, और एक हाथ से गदा, एक हाथ में शंख, एक हाथ में कमल का फूल और एक हाथ से अपने सिर को धारण किया हुआ भगवान सो रहे हैं। और देखते क्या है, ये सोया है कोई और नहीं, भगवान विष्णु नहीं, वे कृष्ण कन्हैया सो रहे हैं, वे कृष्ण कन्हैया सो रहे हैं। जहां देखता है वही सांवला सनोवर से हम दिखाई देता है।
अब तो ब्रह्मा बड़े परेशान है। जब ध्यान से गायों को देखा और ध्यान से गोपालों को देख वो कन्हैया ही बन गए। एक साल तक कृष्ण गाय बनकर के घूमते रहे, एक साल तक कृष्ण गोपाल बनकर घूमते रहे। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। भगवान सारे गोपालों का बेटा बन गए। सारी गोपियां कहती थी मेरा बेटा होता तो मैं इसे आनंद रखती। आज सारी गोपियों की इच्छा पूरा करने के लिए भगवान गोपाल बन गए। अब तो फिर पूछना क्या, ब्रह्मा जी बड़े परेशान, ब्रह्मा जी बड़े परेशान। यहां से ब्रह्मा यहां उहा दुई बालक देखी, मति भ्रम मोर की आन विसेखी। यहां भी वही वहां भी वही, सबोर वही दिखता है। ब्रह्मा जी परेशान दौड़ करके ब्रह्मलोक जाने लगे। उससे पहले कन्हैया पहुंच गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा के पहले कन्हैया पहुंच गए और कन्हैया ब्रह्मा बन के पहुंच गए। और जाकर के अपने द्वारपालों से कह दिया, द्वारपालों मैं अभी अभी धरती से घूम के आ रहा हूं, एक बहुरूपिया मेरे जैसे चार मुख बना करके ब्रह्मा बन के घूम रहा है, एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, खुद नकली है। हाँ, खुद नकली है और असली ब्रह्मा को नकली ब्रह्मा बता रहा है। ध्यान रखना, वो कभी भी मेरे ब्रह्मलोक में आ सकता है और बार बार कहेगा मैं असली ब्रह्मा हूं, मैं असली ब्रह्मा हूं। उसे अंदर आने मत देना, मैं जा रहा हूं आराम करने, उसे बाहर से भगा देना। कन्हैया ब्रह्मा का वेश बना करके ब्रह्मलोक में चले गए। थक हार करके जब ब्रह्मा जी वापस अपने लोक में आए तो द्वारपालों ने ब्रह्मा को रोक दिया, ए नो एंट्री, खबरदार कहां घुस चले आ रहे हो। ब्रह्मा बोले, अरे मूर्खो, मैं तुम्हारा स्वामी, तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे, मैं ब्रह्मा हूं। नहीं, आप नकली ब्रह्मा हैं, हमारे स्वामी हमारे असली ब्रह्मा अंदर सो रहे हैं। लो, अरे मैं असली ब्रह्मा हूं, मैं तो अभी अभी आ रहा हूं। नहीं, हमारे असली ब्रह्मा अंदर हैं। ब्रह्मा जी बार बार अपना परिचय देने, अरे अरे मैं ही असली हूं, मैं असली ब्रह्मा हूं। द्वारपाल कहने लगे, सुनो ये बोल रहा है मैं असली हूं। क्या बोल रहा है, मैं असली हूं।